Hey there, welcome to another episode of Coding with CodeCat 15. This is Ravi. आज के सेशन में we are going to understand what are delete rules in CodeData. जो कोड आज के सेशन में यूज हो रहा है वो ऑलरेडी GitHub और Google Drive पे अवेलेबल है एंड इट इज समवट वेरी सिमिलर टू व्हाट वी हैव सीन इन द प्रीवियस CodeData सेशंस. सो बिफोर वी बिगिन विद दिस सेशन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट दैट इफ यू थिंक दैट आई एम डूइंग अ गुड जॉब एंड इफ यू आर लर्निंग समथिंग फ्रॉम माई वीडियोज देन आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर इट विद योर आईएएस ग्रुप. दैट बीइंग सेड लेट्स बिगिन अवर टुडेस सेशन. डिलीट रूल के चार टाइप्स हैं और हर टाइप एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. आई थिंक बिफोर आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग दीज रूल्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो टू थिंग्स. वन इज व्हाट आर डिलीट रूल्स एंड द सेकंड इज व्हाई डू वी नीड देम. सो लेट मी स्टार्ट बाय एक्सप्लेनिंग व्हाट आर डिलीट रूल्स. कोर डेटा में यू कैन हैव वन एंटिटी और मोर देन वन एंटिटी. मेनी अ टाइम दो एंटिटीज के बीच में रिलेशंस होते हैं. अब ये रिलेशंस या तो वन टू वन है, वन टू मेनी या फिर मेनी टू मेनी, डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट. बट जब आपके एंटिटी का किसी दूसरे या मल्टीपल एंटिटीज के साथ रिलेशन होता है तब एक एंटिटी का रिकॉर्ड आप मल्टीपल टेबल्स में स्प्लिट कर सकते हो एंड दैट्स द होल आइडिया बिहाइंड डेटाबेस रिलेशनशिप्स. लेट्स से हमारे पास दो टेबल हैं, एम्प्लॉय एंड पासपोर्ट. एम्प्लॉय टेबल में यू हैव द एम्प्लॉय रिकॉर्ड एंड पासपोर्ट टेबल में यू हैव पासपोर्ट रिकॉर्ड बिलोंगिंग टू एन एम्प्लॉय. सो दिस इज बेसिकली द एग्जाम्पल ऑफ वन टू वन रिलेशनशिप जो हम ऑलरेडी वन टू वन रिलेशनशिप के वीडियो में देख चुके हैं. एंड ओवर हियर यू कैन सी जो एम्प्लॉय टेबल है इट इज हैविंग अ कॉलम नेम्ड पासपोर्ट आईडी एंड इन द केस ऑफ पासपोर्ट टेबल इट इज हैविंग अ कॉलम नेम्ड एम्प्लॉय आईडी. नाउ लेट्स से मैंने ये जो रवि नाम का रिकॉर्ड है इसे डिलीट कर दिया तो रवि का रिकॉर्ड डिलीट होने के बाद द एम्प्लॉय टेबल इज गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस विच इज फाइन. बट अगर आप पासपोर्ट टेबल को देखो यू माइट बी एबल टू सी द प्रॉब्लम. पासपोर्ट टेबल में पासपोर्ट आईडी 1 स्टिल हैज द रेफरेंस टू एम्प्लॉय आईडी 7. सो विद द हेल्प ऑफ डिलीट रूल आप कोर डेटा को स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस देते हो कि जब आप कोई एंटिटी का रिकॉर्ड डिलीट कर रहे हो तो रिलेशनल एंटिटी के रिकॉर्ड के साथ क्या होना चाहिए. जैसे कि इस केस में एम्प्लॉय इज द मेन एंटिटी. जब मैं एम्प्लॉय का रिकॉर्ड डिलीट करूंगा तब मैं डिलीट रूल सेट करके कोर डेटा को स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूं कि पासपोर्ट टेबल में जो इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय से रिलेटेड रिकॉर्ड है उसके साथ क्या होना चाहिए. एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डिलीट रूल इज सो इंपॉर्टेंट. अगर आपने डिलीट रूल सेट नहीं किया तो जो रिलेशनल रिकॉर्ड है वो आपके टेबल में स्टोर्ड रहेंगे एंड दिस विल ऑक्यूपाई अनवांटेड स्पेस. आई मीन जो रिकॉर्ड यूज में ही नहीं है तो क्या उसे डेटाबेस टेबल में रहना चाहिए. द आंसर इज स्ट्रेट फॉरवर्ड नो. बिकॉज लुक एट द पासपोर्ट टेबल, एम्प्लॉय आईडी 7 तो कब का डिलीट हो चुका है बट फिर भी इस पासपोर्ट टेबल में एक डिलीटेड एम्प्लॉय का रिकॉर्ड अभी भी है विच इज नॉट अ गुड साइन. जो एग्जाम्पल मैंने अभी एक्सप्लेन किया इट्स एक्चुअली वन ऑफ कोर डेटाज डिलीट रूल नेम्ड नो एक्शन विच इवेंचुअली मीन्स अगर मैंने मेन एंटिटी में कोई रिकॉर्ड डिलीट किया तो डिपेंडेंट रिकॉर्ड्स के साथ कुछ मत करो, उन्हें जैसा है वैसा ही रहने दो. आई वुड नॉट रिकमेंड यूजिंग दिस डिलीट रूल बिकॉज ऑफ द वेरी ऑब्वियस रीजन विच इज इन द एग्जाम्पल एज आई शोन यू पासपोर्ट टेबल कुछ इस तरह दिखेगा जहां एक डिलीटेड एम्प्लॉय का रेफरेंस इस टेबल में स्टोर्ड है. एक डिलीटेड एम्प्लॉय का रिलेशनल रिकॉर्ड स्टोर्ड रहना मेक्स नो सेंस एट ऑल. In most of the cases, you're not going to use the no action delete rule, but since this is a part of core data delete rule, let's have a quick demo on no action delete rule. So over here we have two entities, one is CD employee and the other is CD passport. Aur ye jo CD hai, it stands for core data and this is a naming convention that I follow so that I can distinguish between a normal employee model versus a core data employee model. So yahan pe aap dekh sakte ho ki jo CD employee hai, it is having a relationship named to passport. और इसका जो डिलीट रूल है आई हैव सेट इट टू नो एक्शन. इन द केस ऑफ सीडी पासपोर्ट ऑल्सो वी हैव ए रिलेशनशिप और इसका जो डिलीट रूल है आई हैव सेट इट टू नलीफाई. अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये हो सकता है कि क्योंकि हमारे पास दो एंटिटीज हैं तो दोनों एंटिटीज का डिलीट रूल हम सेम एज नो एक्शन क्यों नहीं रख सकते. एंड टू आंसर दैट आई वुड से इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट. डिलीट रूल डिफर्स फ्रॉम एंटिटी टू एंटिटी और जब भी आप डिलीट रूल सेट करते हो किसी एंटिटी के रिलेशन का तो आई थिंक यू शुड आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन कि यू नो व्हेनेवर आई डिलीट दिस पर्टिकुलर रिकॉर्ड तो इसके रिलेशनल रिकॉर्ड के साथ क्या होना चाहिए. एंड आई थिंक व्हेन यू आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ तब आप एक बेटर डिसीजन ले सकते हो इन सेलेक्टिंग द राइट डिलीट रूल फॉर योर एंटिटीज रिलेशनशिप. नो एक्शन काफी सिंपल डिलीट रूल है. जब हम कैस्केड डिलीट रूल को एक्सप्लोर करेंगे तब सेम पासपोर्ट और एम्प्लॉय एंटिटी के लिए विल आस्क दिस क्वेश्चन एंड सी हाउ आस्किंग सच क्वेश्चंस कैन हेल्प यू इन सेलेक्टिंग द राइट डिलीट रूल. वरना आपके डेटाबेस में अनवांटेड रिकॉर्ड स्टोर रहेंगे एंड आई थिंक एज अ डेवलपर यू डोंट वांट दैट टू हैपन. सो इस एग्जाम्पल के लिए कोड मैंने ऑलरेडी करके रखा है एंड जो कोड है इट इज समवॉट सेम जो हमने वन टू वन रिलेशनशिप के वीडियो में देखा था. सो लेट मी जस्ट गो एंड रन द एप्लीकेशन एंड शो यू व्हाट हैपेंस व्हेन यू सेलेक्ट नो एक्शन डिलीट रूल. सो लेट मी रन दिस.
So यहाँ पे जो records हैं they are coming from the database and the database is located in this particular location. So let me copy this and let us go in this location. So यहाँ पे library, application support and over here you can see the database. So let me open this database by using DB browser for SQLite and let me drag and drop this. So यहाँ पे you have the employee table. Let us browse the data inside the employee table. और यहाँ पे आप देख सकते हो वी हैव द सेम रिकॉर्ड्स रवि ब्रूस एंड क्लार्क एंड इनसाइड सीडी पासपोर्ट वी हैव द पासपोर्ट डिटेल्स ऑफ दैट एम्प्लॉय. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू डिलीट द एम्प्लॉय रवि. और रवि आप देख सकते हो इट इज हैविंग द प्राइमरी की एस वन एंड आई वॉन्ट यू गाइज टू रिमेंबर दिस रिकॉर्ड ओवर हियर एस्पेशली दिस कॉलम. सो लेट मी ओपन द सिम्युलेटर अगेन एंड लेट मी डिलीट रवि. सो लेट मी अगेन ओपन द डीबी ब्राउजर और यहाँ पे when I refresh nothing happens and this is the passport table but inside the employee table you can see jo ravi ka record hai wo delete ho chuka hai. So this is what no action delete rule does. Jo employee ka record hai wo delete ho chuka hai lekin uska jo relational record hai wo abhi bhi aise ka aisa hi hai jaise ki kuch hua hi na ho. And one thing you will notice ki jo two employee relation tha in the case of passport we had a relationship named two employee. Yahan pe you can see it is still having the reference to ravi. और जो रवि का रिकॉर्ड है वो तो एम्प्लॉय टेबल से डिलीटेड है. नाउ लेट्स स्विच टू द सेकंड डिलीट रूल. द सेकंड डिलीट रूल इज नलिफाई. लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ एम्प्लॉय एंड पासपोर्ट वंस अगेन. अगर मैंने इस बार रवि के रिकॉर्ड को डिलीट किया तो रवि का रिकॉर्ड तो डिलीट होगा ही बट जो पासपोर्ट टेबल में जो एम्प्लॉय आई डी रिलेशनल कॉलम है उसमें एम्प्लॉय आई डी 7 की जगह यू विल सी अ वैल्यू कॉल्ड एज नल विच मीन्स ये पासपोर्ट किसी एम्प्लॉय को बिलोंग नहीं करता. नलिफाई इज द डिफॉल्ट डिलीट रूल इन कोर डेटा. अगर आप कोर डेटा यूज कर रहे हो आपके प्रोजेक्ट में और आपने कोई डिलीट रूल सेट नहीं किया है तो जब भी आप कोई ऐसी एंटिटी का रिकॉर्ड डिलीट करते हो जिसका रिलेशनल रिकॉर्ड किसी दूसरी एंटिटी में है इन दिस केस यू कैन सी द एग्जांपल ऑफ एम्प्लॉय एंड पासपोर्ट तो दिस इज हाउ द रिलेशनल टेबल इज गोइंग टू लुक लाइक. अगर आपका इंटेंशन रिलेशनल रिकॉर्ड को स्टोर्ड रखना है और उसे डिलीट नहीं करना है तो आई थिंक इन दिस केस नलिफाई इज योर डिलीट रूल. हर डिलीट रूल का एक स्पेसिफिक पर्पस होता है. आई थिंक डिलीट रूल सेट करने से पहले यू शुड आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन कि अगर आपने मेन एंटिटी का रिकॉर्ड डिलीट किया तो उसके रिलेशनल रिकॉर्ड्स के साथ क्या होना चाहिए. एंड वंस यू आंसर दिस क्वेश्चन आई थिंक आप एक सही डिलीट रूल सेट कर पाओगे आपके रिलेशनशिप्स के लिए. वरना होगा क्या कि आप एक इनवैलिड डिलीट रूल सेट करोगे एंड विच विल कॉज यू नो लाइक इश्यूज इन डेवलपमेंट. सो दैट बींग सेट लेट्स मूव ऑन टू द डेमो ऑफ नलिफाइड डिलीट रूल. सो इन द केस ऑफ सीडी एम्प्लॉय व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू सेलेक्ट द रिलेशनशिप और यहाँ पे जो नो एक्शन है आई एम गोइंग टू चेंज इट टू नलिफाई एंड आई एम गोइंग टू सेव दिस एंड आई एम गोइंग टू रन द एप्लीकेशन. सो बिफोर आई डिलीट एनी वन ऑफ दिस रिकॉर्ड्स लेट मी गो अहेड एंड डिलीट क्लार्क. तो व्हाट आई वांट टू शो यू इज जो क्लार्क है एज यू कैन सी इट इज देयर इन द डेटाबेस और इसका जो आई डी है इट इज 3. सो इन द पासपोर्ट टेबल यू कैन सी द लास्ट रिकॉर्ड दैट वी हैव ओवर हियर बिलोंग्स टू क्लार्क. सो लेट मी गो अहेड एंड डिलीट दिस रिकॉर्ड एंड लेट मी रिफ्रेश दिस. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जहाँ पे 3 था वहाँ पे अब नल आ चुका है एंड इनसाइड द एम्प्लॉय टेबल यू कैन सी जो क्लार्क का रिकॉर्ड है वो डिलीट हो चुका है. मुझे नलिफाई डिलीट रूल ज़्यादा बेटर लगता है एज कम्पेयर टू नो एक्शन बिकॉज एज यू कैन सी मेरे डेटाबेस में अभी भी एक डिलीटेड एम्प्लॉय का रेफरेंस है. और अगर मैं एक न्यू डेवलपर हूँ इस प्रोजेक्ट में और मैं पहली बार इस टेबल को देख रहा हूँ तो मेरी ये अजम्पशन होगी कि एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय आई डी 1 का ये पासपोर्ट है. बट इन रियलिटी एम्प्लॉय टेबल को अगर आप देखो तो लेट मी स्विच टू एम्प्लॉय. तो एम्प्लॉय टेबल में देर इज नो एम्प्लॉय आई डी 1. सो नल गिव्स अ मोर मीनिंगफुल डेफिनेशन विच मीन्स ये जो रिकॉर्ड है ये किसी एम्प्लॉय से रिलेटेड नहीं है. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट डिलीट रूल. द थर्ड टाइप ऑफ डिलीट रूल इज द कैस्केड डिलीट रूल और इसे हम सेम एम्प्लॉय और पासपोर्ट के एग्जाम्पल से समझेंगे. सो अगर आप एम्प्लॉय टू पासपोर्ट रिलेशनशिप का डिलीट रूल कैस्केड सेट करते हो एंड इफ यू डिलीट एन एम्प्लॉय तो उस एम्प्लॉय का रिलेशनल रिकॉर्ड भी डिलीट हो जाएगा. विच मीन्स व्हेन यू डिलीट द एम्प्लॉय रवि तो पासपोर्ट टेबल में से रवि से रिलेटेड जो रिकॉर्ड हैं वो भी कंप्लीटली डिलीट हो जाएंगे एंड योर पासपोर्ट एंड एम्प्लॉय टेबल्स आर नाउ गोइंग टू लुक लाइक दिस. आई थिंक इन मेजोरिटी ऑफ द यूज केसेस वी वॉन्ट दिस टू हैपन. सो लेट्स स्विच टू एक्सकोड फॉर द कैस्केड डिलीट रूल डेमो. जब भी आप किसी एंटिटी के रिलेशन का डिलीट रूल सेट करते हो तब आई थिंक यू शुड आस्क योरसेल्फ कि अगर इस एंटिटी का रिकॉर्ड मैं डिलीट करता हूँ तो उस केस में क्या इसके रिलेशनल रिकॉर्ड्स की मुझे ज़रूरत है. अगर है तो मे बी यू शुड सेट द डिलीट रूल टू नलिफाई और अगर नहीं है
तो इन दैट केस यू कैन सेट द डिलीट रूल टू कैस्केड. सो इन द केस ऑफ एम्प्लॉय, जब मैं कोई एम्प्लॉय का रिकॉर्ड डिलीट करूंगा तो मेरी रिक्वायरमेंट यह है कि जब एम्प्लॉय ही डिलीट हो रहा है तो उसके रिलेटेड रिकॉर्ड्स भी डिलीट हो जाने चाहिए. सो इन दैट केस आई एम गोइंग टू सेट द डिलीट रूल टू कैस्केड. इन द केस ऑफ पासपोर्ट चीजें थोड़ी सी अलग है. सो लेट मी आस्क द सेम क्वेश्चन वंस अगेन. अगर कोई पासपोर्ट का रिकॉर्ड डिलीट होता है तो उस केस में वो पासपोर्ट जिस एम्प्लॉय का था, क्या उस एम्प्लॉय को भी डिलीट कर देना चाहिए? द आंसर इज नो, वी डोंट वॉन्ट टू डिलीट द एम्प्लॉय रिकॉर्ड इन दिस केस. तो अब ऐसे केस में जो डिलीट रूल है, इन दिस केस वी हैव द रिलेशनशिप टू एम्प्लॉय, तो इसका डिलीट रूल मैं नलिफाई ही रखूंगा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डिलीट रूल सेट करने से पहले ये सवाल करें कि रिलेशनल रिकॉर्ड के साथ आपको क्या करना है, सो दैट कोर डेटा के इस फीचर का आप एडवांटेज ले सको. SQLite के केस में तो हमें मैनुअल डिलीट क्वेरीज फायर करनी पड़ती है, बट यहाँ ऑल यू हैव टू डू इज सेट द राइट डिलीट रूल एंड कोर डेटा विल हैंडल द रेस्ट. सो नाउ लेट मी गो अहेड एंड रन द एप्लीकेशन. सो ओवर हियर लेट मी शो यू द डेटाबेस फर्स्ट. तो यहाँ पे इन द केस ऑफ एम्प्लॉय यू कैन सी आई हैव ऑल द रिकॉर्ड्स एंड इन द केस ऑफ पासपोर्ट आई हैव एवरीथिंग. सो मैं क्या करूँगा, रवि का जो रिकॉर्ड है उसे मैं डिलीट करूँगा. सो लेट मी डिलीट दिस रिकॉर्ड. सो लेट मी रिफ्रेश दिस. सो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो रवि का पासपोर्ट रिकॉर्ड था वो डिलीट हो चुका है. एंड इफ आई गो टू एम्प्लॉय, सो ओवर हियर यू कैन सी जो रवि का रिकॉर्ड है वो डिलीट हो चुका है. सो लेट मी गो अहेड एंड डिलीट दिस रिकॉर्ड. सो लेट मी रिफ्रेश दिस. सो जो ब्रूस था वो डिलीट हो चुका है. और पासपोर्ट टेबल में आप देखोगे तो पासपोर्ट टेबल में से भी ब्रूस का जो पासपोर्ट रिकॉर्ड है वो डिलीट हो चुका है. सो दिस वॉज द कैस्केड डिलीट रूल. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट डिलीट रूल. डिनाई डिलीट रूल में चीजें थोड़ी सी अलग है. एंड टू एक्सप्लेन डिनाई रूल लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. लेट्स से आपका क्रेडिट कार्ड का पेमेंट पेंडिंग है एंड वन डे यू गो टू द बैंक एंड से कि भाई मुझे मेरा क्रेडिट कार्ड का अकाउंट जो है वो क्लोज करना है. तो उस केस में बैंक जो है आपकी इस रिक्वेस्ट को डिनाई कर देगा क्योंकि आपके आउटस्टैंडिंग पेमेंट पेंडिंग है. एंड जब तक आप वो पेमेंट क्लियर नहीं करोगे तब तक बैंक आपका क्रेडिट कार्ड अकाउंट क्लोज नहीं करेगा. Deny delete rule also does something like this, but in a different way. So in the case of employee and passport, let's go with the example ki mujhe ek passport ka record delete karna hai. But here's where the twist comes in. Let's say the requirement is, jo passport record aap delete karna chahte ho, wo ek employee ko belong karta hai, right? So jab tak wo employee delete nahi hoga, tab tak main is passport record ko delete nahi kar sakta. To explain more, main passport ID 1 ko delete karna chahta hoon. Aur passport ID 1 belongs to Ravi. So jab tak Ravi ka record delete nahi hoga, तब तक यू कैन नॉट डिलीट पासपोर्ट आईडी 1. और अगर ऐसा यूज केस है तब यू कैन यूज द डिनाई डिलीट रूल. बट एक छोटी सी प्रॉब्लम है. द प्रॉब्लम इज डिनाई रूल इज अ वेरी स्ट्रिक्ट रूल. और अगर आपके रिलेशन में यू हैव स्पेसिफाइड दिस रूल और अगर डिनाई रूल का जो क्राइटेरिया है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया वो मैच नहीं हुआ तो योर एप्लीकेशन इज गोइंग टू क्रैश. नाउ दिस मेक्स द डिनाई रूल अ लिटिल डेंजरस टू डील विद बिकॉज एज अ डेवलपर हम ये नहीं चाहते कि हमारा एप्लीकेशन क्रैश हो. So in situations like this, I think what you can do is rather than setting the deny rule, what you can do is you can check the relationship object. Agar relationship object nil hai, to you can go ahead with the delete. Agar wo nil nahi hai, to basically you don't want to, you can just show an alert to the user saying that you have to delete the employee record first in order to delete the passport record. And I think in most of the cases, cascade and nullify rule will absolutely work fine. So now let's switch to Xcode and check deny rule in action. So over here, in the case of CD passport, we have a relationship. और इसका delete rule हम लोग change करेंगे from nullify to deny. And now, what I'll do is I'll run the application. So यहाँ पे आप देख सकते हो कि we have passport numbers. And ये जो passport number है वो किस employee को belong करते हैं. We have the employee name over here. So what I'm going to do is I'm going to delete this record. And as you can see, we have got a crash. And the description of the crash is, items cannot be deleted from two employee because हमने जो two employee relationship है, let me switch to the XE data model. जो two employee relationship है उसका जो delete rule है we have set it to deny. And the only reason why this is crashing is because हमें सबसे पहले employee का record delete करना चाहिए and then we have to delete the passport record. So this is basically how deny rule works in general. And I think एक ऐसा delete rule जिसकी वजह से आपका application crash हो सकता है उससे आपको avoid करना चाहिए. And maybe अगर ऐसी कोई requirement आती भी है so you can just use a simple if condition to check if the relational object is nil or not. Many creative developers think that क्योंकि core data भी एक SQLite file बनाता है document directory में, तो rather than using core data, what they do is कि चलो हम लोग SQLite queries ही use करते हैं in order to delete the record in that table.
ऐसा मत करो, बिकॉज कोर डेटा जो है वो एक ऑब्जेक्ट ग्राफ मेंटेन करता है आपके रिकॉर्ड्स का, एंड इफ यू यूज SQLite क्वेरीज एंड इफ यू बाईपास कोर डेटा, तो आप क्या कर रहे हो, आप एक इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहे हो इन दैट ऑब्जेक्ट ग्राफ। सो ऐसी क्रिएटिविटी बिल्कुल भी मत करो। आई रियली होप यू एंजॉयड दिस सेशन। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज गिव अ थम्स अप, एंड इफ यू न्यू टू द चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब। दैट बीइंग सेड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ नाइस डे एंड हैप्पी आई कोडिंग। बाय बाय।